जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 10:17, रात की 10:17 नाइट, 10:17 PM। एंड आज 21 तारीख है, मंगलवार है, और आज मार्केट अच्छा खासा माइनस में बंद हुआ है। तो लेट अस डिस्कस द मार्केट। और मैं मुझे पता आप सब काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं 1 हफ्ते के लिए भी गायब हो सकता हूँ, और अब 1 महीने के लिए भी कभी भी गायब हो सकता हूँ। अगर आप लोग का उचित प्यार मुझे नहीं मिला, मेरी मेहनत का, मैं सिर्फ इतना ही मांगता हूँ कि आपको सिर्फ लाइक के बटन दबाने हैं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। अब समझ में आ गया होगा कि प्रमोद जैन की क्या कीमत है। जब 7 दिन मुझे कितने मैसेज आए, मैं यूट्यूब में बोलूँगा तो लोग हंसेंगे। 3,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप आ गए मुझे, सर क्या हुआ, आपको बीमार हो गए क्या, क्या हुआ सर, आप वीडियो नहीं बना रहे। मैंने देखा कि चलो पूरे 1 हफ्ते के बाद ही बनाएंगे। और उसका एक कारण और था कि मेरा चैनल भी किसी कारण से 1 वीक के लिए लॉक हो गया। तो आज मैं सोचा हूँ कि आज आप लोग को बहुत ज़्यादा दरकार होगी, क्योंकि मार्केट आज अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी गिरा है। तो जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से जोड़ता हूँ मैं। 14 तारीख को मैंने मार्केट छोड़ा था आपको, 13 तारीख तक। उसके बाद मार्केट एक नया हाई बनाया 9390 का, जो कि 20 तारीख को, यानी कि येस्टरडे। लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया, वहाँ से एक नीचे आके, और आज एक गैप डाउन से मार्केट को खोला, बहुत बड़े गैप से। कल की क्लोजिंग थी 9261, येस्टरडेज क्लोज वाज 9261.85, और आज की ओपनिंग अगर आप देखो तो 9016 है, और आज का हाई भी 9044 है, जो कि एग्जैक्टली 20 EMA है। निफ्टी का जो 20 EMA है, वो कल का फिगर 9044 ही था, वहाँ पे आज हाई बनाया और ओपन किया, तो एक बड़ा गैप रह गया, क्योंकि कल की क्लोजिंग 9261 की है और आज का हाई 9044 है। तो कहीं ना कहीं 220 पॉइंट का गैप छोड़ दिया निफ्टी ने। 220 पॉइंट का गैप से आज ओपनिंग हाई, आज का हाई को भी अगर आप काउंट करो तो कल कल की क्लोजिंग से 220 पॉइंट का गैप रह गया। कल की क्लोजिंग थी 9261.85, आज का हाई है 9044, तो 220 के आसपास 216 पॉइंट का गैप रह गया। पॉइंट नंबर वन लिख देता हूँ। टुडे निफ्टी स्पॉट क्रिएटेड ए गैप डाउन ऑफ 216 पॉइंट्स एज यस्टरडेज क्लोज वाज 9261.85 एंड टूडेज हाई इज 9044। सही लिख रहा हूँ ना, 216 ही होता है करीब करीब। तो ये 216 पॉइंट का गैप रह गया दोस्तों आज के मार्केट में। ये गैप बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर ये कल फिलअप नहीं होता है तो। अगर ये गैप कल फिलअप नहीं होता, यानी कि कल निफ्टी एक बार कोशिश करेगा 9,250 जाने की, कब करेगा, अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आज की कैंडल पे अगर आप ध्यान दो तो एक हैमर जैसा पैटर्न बना, क्योंकि डाउन ट्रेंड में एक गैप डाउन हुआ है, और वहाँ हैमर बनना, रेड कलर का हैमर जरूर बना, लेकिन हैमर बना है। तो आज का लो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आज का जो लो बना है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर उसके नीचे डायरेक्टली खुलता है कल, तो इस हैमर का कोई मतलब नहीं है, जो कि खुलना ही है, क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी अभी भी डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी आपके सामने करीब करीब 600 पॉइंट डाउन है। आप देख सकते हो 600 पॉइंट के आसपास डाउन है डाउ जोन्स फ्यूचर्स। अभी 2-5 मिनट पहले 610 पॉइंट डाउन था, अब 555 है। एनीवे, और क्रूड ऑयल को देखो आप, फिर से जिसने आज बाई किया उसको फिर से कल रुलाएगा, क्योंकि ये बंद हुआ था $20 पे आज, नई सीरीज का भी।
और अभी $8 कम है, यानी कि ₹500 तो कल नीचे ही खुलेगा। लेकिन अगर रात भर में कोई मेकअप हो जाए तो अलग बात है, दैट आई डोंट नो, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, सीधा चार्ट पर। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया आज, क्योंकि मुझे ये टॉपिक कुछ समझ के बाहर हुआ। तो दोस्तों इसमें देखिए आप गैप रह गए, या तो कल ये गैप फिलअप हो जाता तो इस गैप का कोई मतलब नहीं है, और अगर कल ये गैप फिलअप नहीं होता और मार्केट कल इसके नीचे क्लोज करता है जो आज का लो है, तो ये गैप सस्टेनेबल हो गया और फिर मार्केट गया, समझो आप गया, मतलब फिर मार्केट का, अब देखते हैं मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है कल के लिए, कल आपको कहाँ बाई करना चाहिए और कहाँ सेल। देखिए आने वाले दिनों में 9500 तो जाने वाला पूरा चांसेस दिख रहा है, क्योंकि मैं आपको इसके रीज़न दूंगा, हो सकता है फ्राइडे तक जाए, लेकिन जाएगा। और ये देखिए इस लो से मैंने इस लो को पकड़ा, 8800 कल के लिए बहुत क्रूशियल पॉइंट है, 8800 के नीचे अगर 20 मिनट से ज़्यादा टिके मार्केट तो आप समझिए मार्केट हैज़ गॉन, और 8800 के नज़दीक आपको माल मिल जाए तो ज़रूर खरीदिएगा, कल ज़रूर से खरीदिएगा। अगर आज की क्लोजिंग कितनी आई है देख लेते हैं एक बार, आज की क्लोजिंग कुछ 8900 देख लेते हैं कितना है, 8981, लेकिन 8800 यहाँ से 180 पॉइंट दूर है। चलिए SGX निफ्टी भी देख लेते हैं क्या आ रहा है, मनी कंट्रोल में दिखता है वो। SGX निफ्टी आपके सामने अभी 93 पॉइंट्स माइनस चल रहा है, 93 पॉइंट्स माइनस चल रहा है अभी करेंटली, अभी 10:24 हुई है रात की। तो चलिए अब मैं अपना एनालिसिस कर देता हूँ वापस। तो ये SGX निफ्टी माइनस चल रहा है 93 पॉइंट्स, तो 8800 आना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन अगर आता है तो यहाँ आपको बहुत बाइंग करना चाहिए, इसके नीचे अगर आधे घंटे ट्रेड कर ले तो मार्केट गया, फिर नए घर खुल जाएंगे, फिर आपको नया सपोर्ट ये 7800 7900 के भी चांसेस खुल जाएंगे, उसके बाद वहाँ से आप 8600 पे पहला सपोर्ट है, 8300 पे सपोर्ट है वैसे, लेकिन ये मुझे नहीं लगता ये कल टूटेगा 8800 का सपोर्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइडे तक हम वापस 9500 नया हाई बना देंगे, 9500 अभी तक का हाई है 9390 जो कि मंडे को बना था, मंडे को, आज ट्यूसडे है, तो मुझे लगता है ये हाई टूटेगा 9390 का, इंस्पाइट ऑफ आज गैप डाउन हुआ और कल भी गैप डाउन ही होगा, लेकिन अगर ये गैप फिलअप करने के लिए कल मार्केट जाता है, जो कि मुझे लगता है 100 में से 90% लगता है कि कल जाएगा, लेकिन 2:50 के बाद भी जा सकता है, कब जा सकता है, क्योंकि कल वेनेसडे है और मुझे लगता है लास्ट के 40 मिनट में जो तेज़ी आनी है वो आएगी, और या फिर कल सरप्राइजिंगली मार्केट प्लस ही खोल देगा, जो कि अभी 93 पॉइंट SGX माइनस है और 580 पॉइंट डाउ जोन्स माइनस है, अब 560 हो गया है, तो ये धीरे धीरे अगर हो सकता है रात को मेकअप कर दे, हु नोज, कोई भी नहीं जानता। तो अगर कल गैप डाउन नहीं होता है, अगर गैप डाउन होता है तो आपको 8800 के आसपास बाई करना, उसके पहले बिल्कुल नहीं बाई करना, मतलब 8800 से लेके 8840 का रेंज है आपके लिए बाई करने का, मैं लिख देता हूँ, अगर इफ मार्केट ओपन्स, अरे यार क्या हो गया, इफ मार्केट ओपन्स विथ गैप डाउन टुमोरो देन बाय बिटवीन 8800 टू 8850 इस रेंज के बीच आपको बाई करना है, जितना 8800 के नज़दीक बाई करोगे आप, और आपको स्टॉप लॉस क्या होगा,
इसके नीचे आधे घंटे टिक जाना, इसके नीचे 8,800 के, वो आपका स्टॉप लॉस है, सिंपल। ये हो गया पहला क्राइटेरिया। लेकिन अगर गैप डाउन नहीं होके रात को डाउ जोन्स सुधर जाए, जो कि मुझे लगता है, तो फिर गैप अप भी हो सकता कल। और अगर गैप अप हुआ तो आपको ये समझ लीजिए कि 9,261 के आसपास अगर मार्केट कल किसी भी कारण से पहुंच जाएगा, 9,250 के आसपास, तो आप ये मान के चलिए 9,500 बहुत जल्दी आने वाला है, हो सकता है फ्राइडे को ही आ जाए। और 10,000 की भी बातें हो सकती है, क्योंकि क्या हुआ, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, देखिए आप 20 EMA के ऊपर दो क्लोजिंग हो चुकी है, कब, फ्राइडे को और मंडे को। आज जरूर गैप डाउन हो गया, लेकिन दो क्लोजिंग मार्केट ने 20 EMA के ऊपर दे दिया। एक एक क्लोजिंग दिया था 9,266, दूसरी क्लोजिंग दिया 9,261। आज जरूर 20 EMA के काफ़ी नीचे आ गया, बल्कि सारे EMA के नीचे आ गया, बल्कि 5, 10, 20 सब के नीचे आ गया, तो ये सरप्राइजिंग है। तो अब ये कल का मार्केट देखने के बाद पता चलेगा। और अगर कोई शॉर्ट छोटे लेवल में खेलना चाहता है तो उसको भी बता देता हूँ मैं, कि जैसा आज 8,981 पे क्लोज हुआ है, तो नाइन डबल ज़ीरो नाइन जैसे ही मार्केट क्रॉस करे कल के दिन, तो आप बिंदास बाई कर लीजिए। विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 8,900 फॉर ए टारगेट ऑफ 9,450 प्लस टिल फ्राइडे। फिगर आपको क्या ध्यान रखना, 9,900 के नौ के ऊपर जैसे ही मार्केट निकले, 9,009 के ऊपर, ये सेकेंड सिनेरियो है। फर्स्ट सिनेरियो अगर गैप डाउन होता है तो आप इस लेवल के आसपास बाई करिएगा, और अगर गैप डाउन नहीं होता, फ्लैट खुलता है और मार्केट जैसे ही 9,009 को क्रॉस करता है, आप बाई कर लीजिए। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हो जाता है 8,900 और टारगेट हो जाता है 9,450 प्लस टिल फ्राइडे, हो सकता है 9,500 भी आ जाए। तो मैंने कोशिश किया हूँ आज, और कुछ और रहा तो कल सुबह कोशिश करके एक और वीडियो बनाऊँगा। तो आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगा दोस्तों। तो बस मुझे, मैं सिर्फ लाइक दीजिए, मैं उसका भूखा हूँ और कुछ नहीं, मेहनत तो जारी रहेगी। जितना आपका लाइक्स आएंगे, मेरे वीडियो कंटिन्यूस आते रहेंगे, मैं एक दिन भी एक सेकंड भी बैठने वाला नहीं हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, शुभ रात्रि, और लॉकडाउन में अपने परिवार के साथ रहिए, बाहर मत निकलिए, पैसा ज़िंदगी में फिर से कमा लेंगे, लेकिन जान है तो जहान है। लव यू ऑल।